सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। मैं जा रहा हूँ इस वक्त दुबई मॉल में। आई केम फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन और मेट्रो स्टेशन से डायरेक्ट एक वॉकवे बना हुआ है दुबई मॉल में जाने के लिए। ऑल दो बहुत लंबा वॉकवे है, अराउंड स्पेशली 1 किलोमीटर से तो ऊपर होगा, एटलीस्ट 1 किलोमीटर से ऊपर, तो काफ़ी टाइम लगता है। बट इट्स एयर कंडीशन और ऐसे ट्रैवलेटर्स लगे हुए हैं, सो कांट कंप्लेन। सामने है बुर्ज खलीफा और आज इसके ही टॉप पे जो ऑब्जर्वेटरी है वहाँ जाने वाला हूँ, और उसके लिए जो रास्ता है वो दुबई मॉल से होके ही है। तो चलिए चलते हैं, लेट्स एक्सप्लोर बुर्ज खलीफा नाउ। सो पहुँच गए हैं दुबई मॉल, अराउंड 15 मिनट तो लग ही जाते हैं वहाँ से आने में मेट्रो स्टेशन से। और अब चलते हैं, देखते हैं कहाँ से है एंट्री फॉर द बुर्ज खलीफा ऑब्जर्वेटरी। तो एट द टॉप टूरिज्म करके है कोई, वहाँ जाना है हमको, उनके काउंटर्स पे वो अरेंज करते हैं फॉर द बुर्ज खलीफा टिकट्स। ऑल द मेरी टिकट्स ऑनलाइन बुकड है, बट ऑनलाइन टिकट्स को रिडीम कराने के लिए काउंटर पे एक बार जाना पड़ेगा। और मैं कल रात को भी आया था यहाँ पे दुबई मॉल में टू सी द म्यूजिकल फाउंटेन। वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, बिकॉज मैं शॉर्ट टाइम के लिए आया था डिनर करने। तो एज फार एज आई नो मॉल इतना बड़ा है, यहाँ घूम जाना बहुत आसान है, बिकॉज यहाँ पे साइनेजेस भी मुझे लगा बहुत कम थे। मैं नहीं कह रहा साइनेजेस नहीं है, बट मॉल दैट बिग, तो जिस स्केल का ये मॉल है उसके हिसाब से मुझे थोड़े से कम लगे साइनेजेस। तो पूछ पाछ के जाना पड़ता है कि कहाँ पे क्या है। अभी चलते हैं, अभी बेसिकली हम मेन मॉल में एंटर नहीं हुए हैं। ये भी एक शॉपिंग स्ट्रीट टाइप है, मेन मॉल आगे की तरफ है। जैसे सामने आपको दिख रहा होगा दुबई मॉल का एक लगा हुआ है, तो लेट्स गो देयर और उसके बाद चलते हैं एट द टॉप के काउंटर्स पे टू गो थ्रू द बुर्ज खलीफा। सो दिस इज बेसिकली द एंट्रेंस ऑफ दुबई मॉल। अभी सुबह के टाइम तो ज़्यादा भीड़ है नहीं यहाँ पे, बट कल रात को जब मैं आया था तब, बीइंग सैटरडे, बीइंग अ वीकेंड, आज भी वीकेंड ही है वैसे जैसे मैंने बताया आपको, बट मॉर्निंग टाइम है तो इतना क्राउड नहीं है। कल रात को बहुत था, इवन एट द म्यूजिकल फाउंटेन देयर वाज सो मच क्राउड। और यहाँ पे आपको वर्ल्ड्स के सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, सारे ब्रांड्स के शोरूम है। सुना तो है मैंने, मैं सबको एक्सप्लोर नहीं करने वाला, बट इतना बड़ा मॉल है तो ऑब्वियसली शॉपिंग करने आ रहे हैं तो आपके लिए जगह कंप्लीट है। यू वोंट फाइंड एनीथिंग विच इज़ नॉट अवेलेबल हियर। एक दूसरा मॉल भी है, द मॉल ऑफ द एमिरेट्स, वो थोड़ा दूर पड़ता है और वो इतना पॉपुलर नहीं है जितना ये है। चलिए हम तो चलते हैं एट द टॉप के काउंटर्स पे। और जाते टाइम मुझे ये दिखा आइस स्केटिंग रिंग, तो अगर आप दुबई मॉल आते हैं तो आइस स्केटिंग भी कर सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे, दुबई एक्वेरियम, अंडर वाटर ज़ू, बट मेरा कुछ खास मन है नहीं, बिकॉज मैं लास्ट ईयर जब थाईलैंड गया था तब मैंने वो सब चीज़ें देख ली थी, तो आई डोंट थिंक इतना कोई डिफरेंस होगा। लुक एट शी, सो पहुंच गए हैं एट द टॉप। यहाँ पे आके लग गए लाइन में, अगर आपके पास टिकट नहीं तो हम यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं आके। ऑल दो मेरे पास तो ऑलरेडी टिकट्स थी, ऑनलाइन बुक थी, सो आई विल जस्ट गो स्ट्रेट। सो टिकट्स मिल गई हैं, ये एक ऐसी टिकट मिलती है आपको ऑनलाइन बुकिंग के बाद भी रिडीम करानी पड़ती है। और एंट्री हो चुकी है सिक्योरिटी के बाद, नाउ वी हैव गॉट टू गो। उससे पहले ये फोटोज़ ले रहे हैं, दुबई फ्रेम पे भी ली थी ऐसी फ़ोटोज़, यू कैन क्लिक योर फोटोज़ हियर एंड देन दे कैन परचेज इट लेटर व्हेन यू कम बैक। सो फोटो क्लिक कराने के बाद आपको एक कार्ड दे देते हैं ऐसे, तो जब आप घूम के वापस आएंगे तो आपकी वो फ़ोटो रेडी रखेंगे। अगर आपको परचेज़ करनी तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते। और यहाँ पे एक मिनिएचर मॉडल, यहाँ पे कुछ स्क्रीन्स है जिन पे दिखा रहे हैं कि दुबई में जो बुर्ज खलीफा है इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे हुई थी, किस टाइमलाइन पे हुई थी। 2650 लेवल्स फॉर कंप्लीटेड, 2700 लेवल्स फॉर कंप्लीटेड,
तो कुछ ऐसे बना था एंड फाइनली 2012 में इट गॉट ओपन. 2012 था इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. सो लिफ्ट लॉबी में आ चुके हैं और यहाँ पे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द लिफ्ट. तो चलिए अभी हम जा रहे हैं, हमारी लिफ्ट आ चुकी है. गोइंग अपवर्ड्स नाउ. Boss, this lifts are fast. We are going to the 124th floor. Here we are. You can visit level 125 by stairs, please. Keep going straight. तो बेसिकली हम 124th फ्लोर पे आ चुके हैं और यहाँ से हम 125th पे भी जा सकते हैं, बट वो एक ही फ्लोर ऊपर जाना है तो हम बाय स्टेयर्स जा सकते हैं. आई थिंक दीज आर द स्टेयर्स टू गो टू 125th. सो नाउ लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम द 124th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा. यहाँ से पूरी स्काई लाइन दिखती है दुबई की. यू कैन सी द कोस्ट लाइन ऑफ दुबई एज वेल. आई मीन जो ये बिल्डिंग्स दिख रही है, इतनी ऊंची बिल्डिंग्स इंडिया में मोस्टली दे आर कंसिडर्ड एज स्काईस्क्रेपर्स, बट बुर्ज खलीफा इज लाइक टॉप ऑफ देम ऑल. यू कैन सी द हाईवे, आई थिंक दैट्स द शेख जायद रोड. नो आई डोंट थिंक दैट्स द शेख जायद रोड. It is. Metro line, I can see. और यहाँ से आई डोंट नो बट आपको दुबई फ्रेम भी दिख जाएगा. इफ आई कैन जस्ट जूम इन, दैट्स द दुबई फ्रेम. दुबई फ्रेम की भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप चाहे तो देख सकते हैं चैनल पे. And this is another view of another side of the city. यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, that's where the Dubai fountain is being held. मैं रात को आया था देखने, बहुत अच्छा था. Basically the tallest building of the world. इतनी ऊँची है कि यहाँ से आपको पूरा दुबई दिखेगा हर direction में. और यहाँ पे भी एक souvenir shop है, but obviously काफ़ी prices high हैं यहाँ पे. This is the coastal part of the city. चलिए अब आपको ले चलता हूँ इससे ऊपर वाले फ्लोर पे. वैसे एक फ्लोर से ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, बट स्टिल लेट्स गो. और अभी मैं 124th फ्लोर पर ही हूँ एंड दिस इज एन आउटडोर एरिया जहाँ से थोड़ा बेटर व्यू मिलता है, बट एज यूजुअल काफ़ी भीड़ है यहाँ पे. आई शो यू द व्यू. Now let's go to the level 125. वैसे तो सेम ही है बट जस्ट वन फ्लोर हायर. और यहाँ पे जो फोटोज क्लिक हुई थी आप वो यहाँ से ले सकते हैं. सो फ्लोर हायर व्यू फ्रॉम हियर.
सो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये जो आप नीचे देख रहे हैं दिस वन, ये जो रास्ता देख रहे हैं दिस इज़ द वॉकवे जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया था फ्रॉम द दैट्स द दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन, और ये रास्ता पूरा वॉकवे है जो दुबई मॉल तक जाता है। बाकी ऐसा कुछ नज़ारा है 125th फ्लोर से। चलिए अब एक घंटा हो गया मुझे लगभग यहाँ, सो लेट्स गो डाउनस्टेयर्स देन। सो आ गए हैं नीचे वापस ग्राउंड फ्लोर पे, और लिफ्ट इतनी तेज़ थी उससे नीचे आते वक्त लिटरली कान सुन हो गए थे, बट इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस गोइंग अप देयर सीइंग द होल ऑफ दुबई फ्रॉम द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। तो बस अब बाहर जा रहे हैं वापस दुबई मॉल की तरफ, आई हैव सम लंच नाउ। सो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you have any comments for me, you can put it down in the comment section. कोई सवाल या कोई सुझाव हो आपका तो मैं आपसे मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट दुबई एडवेंचर पे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।